कैसे मिल सकेगा सारा इंडिया परिवार की उनको हक का पैसा, यानी कि जो सारा इंडिया परिवार के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने जो है पैसे को इन्वेस्टमेंट किया था, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने हॉस्पिटल्स के खर्चों के लिए, किसी ने अपने बुढ़ापे की के जीवन यापन के लिए, हर किसी ने सारा इंडिया परिवार में जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो उसने किसी न किसी रूप में अपने भविष्य के लिए जो है पैसे को जोड़ने के लिए किया था। जनरली लोगों ने उन पैसों सारा ने परिवार में उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था जिनको लग रहा था कि इनको कम समय में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकेगा। लेकिन बहुत आज से अगर बात करें 2002 या 2003 के बारे में बात करें तो सारा ने परिवार में बहुत सारे लोगों को जो है भरोसा हो चुका था, जिनकी वजह से लाखों लोगों ने जो है पैसे को, यानी कि लाखों भारतीयों ने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। सारा इंडिया परिवार में अगर बात करें केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल माइक्रो फंड crcs.gov.in के माध्यम से सारा समूह के 4 प्रॉपर्टी सोसाइटी के निवेशक ही पैसा वापस पा सकेंगे, और इसमें जो पहली किस्त है वो 10,000 रुपये तक की है, यानी कि आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 10,000 रुपये तक की ही मिलेगी। सारा आवेदन करने से पहले निवेशक को ये पता करना होगा कि सारा समूह की किस सहमति में पैसा लगा हुआ है, यानी कि किस सहमति में पैसा उनका इन्वेस्टमेंट है। साथ ही आवेदक के पास इससे जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। सारा का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा करता के वही पैसे वापस होंगे जो 22 मार्च 2022 से पहले जमा हुए थे। ध्यान रखिएगा, वो पैसे ही वापस होंगे जो 22 मार्च 2022 से पहले जमा हुए थे, जबकि स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सहारा के निवेशक रिफंड के लिए आवेदन करने से पहले अपने सारे दस्तावेज को इकट्ठा कर लें, तभी वो इस microfund.crcs पोर्टल में वो अपने अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ मांगी गई जानकारी देकर अपना रजिस्ट्रेशन करें, इसके बाद अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर को डालें, इसके बाद नीचे दिए गए OTP पर क्लिक करें, मोबाइल पर आए OTP डालें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर फिर से निवेशक लॉगिन में जाएं और यहां से मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालें, मोबाइल में आए OTP को डालें, इसके बाद मैं सहमत हूं ऐप पर क्लिक करें। आपसे और सोसाइटी की सदस्य होने से जुड़ी मांगी गई पूरी जानकारी दें। क्लेम की राशि अगर 50,000 से ऊपर है तो पैन नंबर भी डालें। बता दें कि निवेशक केवल एक बार दावा कर सकता है, इसलिए पूरी डिटेल को कई बार पढ़कर फर्म कंफर्म करें। आवेदन को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। मिलते हैं नई वीडियो से।